सीएम की कुर्सी छिनने के बाद शिवराज सिंह का दर्द छलका, अपने आप को रोने से रोक नहीं पाए। सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो खूब वायरल है। एक्स पर अपर्णा अग्रवाल नाम की एक यूजर ने वायरल वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, सीएम की कुर्सी छिनने के बाद शिवराज सिंह चौहान का दर्द छलका, अपने आप को रोने से रोक नहीं पाए। मोदी शाह ने अपने वर्चस्व को बचाने के लिए एक जमीन से जुड़े नेता के साथ छल किया है। अमोक नाम के एक यूजर ने लिखा, मोदी शाह की बेवफाई से बड़ा कुछ नहीं। प्रकाश नाम के एक यूजर ने लिखा, शिवराज के चेहरे पर दर्द साफ दिखा, ये देखकर बुरा लगा। इसके अलावा कई अन्य यूजर्स ने भी वायरल वीडियो को मिलते जुलते दावों के साथ शेयर किया। दरअसल एमपी में बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा के रूप में राज्य के दो डिप्टी सीएम का भी ऐलान किया। इस सबके बीच हर कोई यही पूछ रहा था कि शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनका भविष्य क्या होगा। एक और वीडियो चला जिसमें एमपी के नए सीएम मोहन यादव पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के पैर छूकर आशीर्वाद लेते भी नजर आए। और ये सब चल ही रहा था कि एक और वीडियो ने रफ्तार पकड़ ली जिसमें शिवराज सिंह चौहान रोते हुए नजर आ रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं बनाए जाने के कारण वाकई दुखी है? क्या वो इसलिए रोने लगे? इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने वीडियो को ध्यान से देखा। ऊपर हमें न्यूज तक का लोगो नजर आया जिसके चैनल पर हमने वीडियो को खंगाला। हमें यहाँ 4 साल पुराना एक वीडियो मिला जिसमें अभी वायरल किया जा रहा है। वीडियो का लंबा वर्जन वहां पर मौजूद है। वीडियो के साथ दी गई जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान अपनी गोदली बेटी भारती के निधन पर भावुक हो गए थे। जब बेटी के निधन की सूचना मिली तो शिवराज रायपुर में थे, लेकिन सूचना मिलते ही विशेष विमान से विदिशा पहुंचे जहां उन्होंने भारती के आखिरी दर्शन किए। इसके अलावा हमें आज तक की वेबसाइट पर 18 जुलाई 2019 को छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया कि शिवराज सिंह चौहान ने 2018 में अपनी दत्तक बेटी भारती की शादी कराई थी। भारती की शादी विदिशा के किसान परिवार से आने वाले रविंद्र मालवीय से गणेश मंदिर में हुई थी। शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह ने शादी की रस्में निभाते हुए भारती का कन्यादान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ससुराल वालों ने भारती के बीमार होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान का एक सेवा आश्रम है जहां वो बेसहारा बेटों और बेटियों के रहने से लेकर उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। तो कुल जवाब आती है कि शिवराज सिंह चौहान का 4 साल पुराना वीडियो भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। वो अपनी गोद ली हुई बेटी भारती के निधन पर भावुक हुए थे, ना कि सीएम ना बनाए जाने पर। लेकिन इस सब के बीच सवाल अब भी मौजूद है, शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? 15 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, अब उसे ऐसा कौन सा पद दिया जाएगा जिससे उसका कद छोटा ना लगे? इस सवाल का जवाब खोजना बाकी है। आप क्या सोचते हैं इस पर? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी शुभम ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। वायरल और भ्रामक दावों की सच्चाई जानने के लिए आप दी ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।